हेलो एवरीवन। तो ये हमारा एक नया कंपाउंड है, इसको देख के थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, पता नहीं क्या है। यदि आपको लग रहा है कि आप इसे कर पाएंगे तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट सेक्शन में इसका आईपीसी नेम जरूर बताइए। लेकिन हम लोग इसको समझेंगे, थोड़ा एक आध मिनट ज़्यादा ज़रूर लगेगा, लेकिन हम लोग इसको सही तरीके से समझेंगे कि इसकी नेमिंग हम करेंगे कैसे, ठीक है। अब यदि आप वीडियो पर आ ही गए हो तो देख ही लो एक मिनट में क्या जाएगा। अब ध्यान से देखना, हमें सबसे पहला काम होता है ऐसे कंपाउंड के लिए कि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन चूज़ करो, ठीक है। मान लो हम यहाँ से चल रहे हैं तो 1 2 3 तीन ही कार्बन बेकार है, 1 2 3 4 5 पाँच आया, चलो ठीक है। इधर नीचे जाते हैं 1 2 3 4 5, ये इसमें पाँच आया। यदि हम इस साइड से चलें, ध्यान देना, यदि मान लो चलो यहाँ से चलते हैं, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 आएगा। ओह, 6 आ गया, इसका मतलब इसमें हमें लगता है सबसे ज़्यादा कार्बन है, क्योंकि इसके अलावा और कोई ऐसे कार्बन चेन नहीं बन पा रही है जहाँ पे इतने ज़्यादा कार्बन हो। तो हम यहाँ पे जो हमारी कार्बन चेन जो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन है उसको हम इस तरह से थोड़ा सा अलग कर दे रहे हैं, जिससे कि कन्फ्यूज़न आपको कम हो, ठीक है। और ये हमारी जो है यहाँ पर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई है, ठीक है। अब यदि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन हो गई, देखो यहाँ मिथाइल जुड़ा है, यहाँ मिथाइल जुड़ा है, यहाँ मिथाइल जुड़ा है, इस वाले पे एक एथाइल जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब बारी आती है कि भाई चलो हमें लॉन्गेस्ट चेन मिल गई, 6 कार्बन की है, अब इसकी हम नेमिंग कैसे करें। आप यहाँ से देखो तो दूसरे से स्टार्ट हुआ एक मिथाइल, और इधर से चलो तो तीसरे से मिथाइल स्टार्ट हुआ, इसका मतलब कन्फर्म है कि हम नंबरिंग इधर से करेंगे। सो 1 2 और ये हमारा हो जाएगा 3, ये कार्बन हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6, ठीक। अब देखो एक 2 नंबर पर है, ठीक है, एक हमारा मिथाइल 3 नंबर पर है, एक जो है 4 नंबर पर है, ठीक है। एक चीज़ और यहाँ देखना है कि तीसरे नंबर पे जो है ये CH2CH3 है, इसे हम क्या बोलते हैं कंसाइज करके C2H5, यानी ये एक हमारा एथाइल ग्रुप है, ठीक है। तो हम जब भी नेमिंग करते हैं तो हम एथाइल ग्रुप को पहले लिखते हैं, इसलिए हमारा तीसरे नंबर पे एथाइल है, सो उसको हम पहले ही लिख लेंगे 3-ethyl, ठीक है। चलो इसका काम खत्म। अब मिथाइल को ढूंढो, 1 2 3 जगह मिथाइल है, ठीक। नेमिंग कैसे करोगे, 2 3 4, तो हम यहाँ डैश करेंगे, लिखेंगे 2, 3, 4 डैश ट्राई एथाइल और टोटल हो जाएगा हेक्सेन, ठीक। तो 3 एथाइल 2, 3, 4 ट्राई एथाइल हेक्सेन, सॉरी यहाँ पे एथाइल नहीं होगा, मिथाइल होगा, ठीक है। तो ट्राई हो जाएगा मिथाइल, तो हमारा नेमिंग हो जाएगा 3 एथाइल 2, 3, 4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ठीक है। थैंक यू। यदि कोई आपका कन्फ्यूजन है या क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर डालें।